तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में वैसे बातों पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आईटीआई वाले छात्रों को बहुत ही कम पता रहता है, और उन लोग को जानने के लिए ये बात जरूरी भी है। तो वो आईटीआई वाले छात्र अपने दिल को थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बगल में अगर आपके चिप्स, कुरकुरे या फिर कुछ रखा हुआ है, तो उसको अपने हाथ में लेकर ईयरफोन लगाकर और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए। तो देखिए, आप लोग के लिए हम अपने हाथ में कुछ कुछ हल्का सा लिख के भी लेके आए हैं, ताकि हमसे कुछ गलती नहीं हो और बढ़िया से आप लोग को समझा भी पाएँ। तो देखिए, वीडियो के जो थंबनेल पे लिखा हुआ था कि आईटीआई से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक आईटीआई छात्र के लिए, क्योंकि आईटीआई तो बहुत लोग कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर उनको कहीं से पता नहीं चल पाता है, या फिर उनको कोई बताते नहीं है। तो चलिए, हम आपके ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, ईयरफोन लगाए ही होंगे क्योंकि हम पहले ही आप लोग को बोल दिए थे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट में आप लोग को थंबनेल में लिखा था कि आईटीआई से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। प्लस टू कर सकते हैं। प्लस टू के बारे में हम आप लोग को बता दें, तो प्लस टू का मतलब होता है इंटरमीडिएट, जिसको आप लोग 11th और 12th भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हम आप लोग को बता देना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ डिटेल्स, कि जो वो प्लस टू होते हैं वो देखिए कैसे होते हैं। जैसे कि इंटर जो होता है, आप बाहर से करिएगा तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में इन सब चीज, ये तो सब चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा, तो वो बाहर से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप आईटीआई से करते हैं वही चीज़, तो देखिए आईटीआई में आप लोग को क्या करना पड़ता है ये हम आप लोग को बता देते हैं। और देखिए, इसका हम एक पर्सनल वीडियो भी बनाए हुए हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ठीक है। प्लस टू वाले के लिए, प्लस टू वाले के लिए हम एक पर्सनल वीडियो बनाए हुए हैं कि आईटीआई से इंटर कैसे करें। आप लोग चैनल पे विजिट करिए और वहां पर आप लोग जाके देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो आप लोग जाके ज्वाइन करिए। वहां पर आप एक और मैसेज कर दीजिएगा कि वो वीडियो का हमको लिंक शेयर कर दीजिए, तो आपको वहां पर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हम अभी आप लोग को देखिए, हम प्लस टू के बारे में बता रहे थे। तो देखिए, प्लस टू कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है आईटीआई से करने के लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर में आप लोग जैसे ही जाते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप लोग जैसे ही जाते हैं, ये सभी ट्रेड के लिए होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए ही सिर्फ होता है, ऐसा कोई इसमें कंपलसरी नहीं है। सेकेंड ईयर में आप लोग जैसे ही जाइएगा, तो कॉलेज के थ्रू ही आपको वहां पर क्या मिलता है, एक फॉर्म मिलता है, जिसका प्राइस लगभग मेरे ख्याल से 1000 से 1500 रुपया वहां पर फॉर्म का फी रहता है, ठीक है, फी पेमेंट करने के लिए। तो उतना पेमेंट करने के बाद आपको वो लैंग्वेज का पेपर, मतलब नाम से आएगा कहने का कि लैंग्वेज का पेपर का फॉर्म भरा रहा है, जिसको जिसको इंटरमीडिएट इसे करना है वो लैंग्वेज का फॉर्म भर दे। तो देखिए, वो आपको भरने के बाद क्या आएगा, एग्जाम डेट आएगा, उसके पहले एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद एग्जाम दीजिएगा। उससे पहले आप लोग को देखिए, हम आप लोग को बता देते हैं कि उसका सिर्फ दो ही एग्जाम होता है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का, जो दोनों एक ही दिन हो जाता है, ठीक है। डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो को जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पर दिया गया, आप वो पूरा वीडियो फुल वॉच करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम विशेष उसके लिए नहीं बनाए, हम विशेष जो बनाए हैं वो आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, प्लस टू, उसके बाद सीटीआई, बीटेक, ये सब के बारे में, मतलब कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो आप लोग को पता चलिए कि हम लोग प्लस टू भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो आप लोग जाके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन में आप लोग को हम लिखे हुए थे वहां पर सीटीआई। देखिए, सीटीआई क्या होता है ये समझिएगा आप लोग। सीटीआई का मतलब होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। सीटीआई का फुल फॉर्म क्या है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या, ये आप लोग ध्यान समझिएगा, ये एक तरीके से एक अप्रेंटिसशिप का ही प्रमोशनल, एक समझ सकते हैं, एक उच्च मतलब कि इससे अप्रेंटिसशिप से एक ऊंचा पद, एक तरीका से आप लोग मान सकते हैं, मतलब एक ऊंचा होता है ना, हाई पोस्ट टाइप से जैसे जॉब होता है, उसी तरीका से ही थोड़ा हाई लेवल का सीटीआई होता है, ठीक है। इसमें समझिएगा, ये एक साल का कोर्स है, आपको बिहार में कोई कॉलेज नहीं, आपको बाहर में जाना पड़ेगा, ठीक है, करने के लिए इसका कोर्स। फॉर्म भराता है यहीं पर बिहार में, या फिर आप कह सकते हैं पूरा इंडिया में, ठीक है। बिहार में मतलब कॉलेज नहीं है, और पूरा इंडिया में है बहुत जगह कॉलेज, लेकिन बिहार में कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको बिहार से बाहर जाके इसके लिए आपको करना पड़ेगा सीटीआई। सीटीआई समझ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, ये आपको टीचर का जो वैकेंसीज आते हैं आईटीआई में पढ़ाने के लिए, उन सब के लिए ये ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होता है, एक अप्रेंटिसशिप में तो आपको थोड़ा मोड़ा सिखाया जाता है, अप्रेंटिसशिप के बारे में हम बताएंगे, लेकिन ये जो आपको है ये इस पूरा तरीका से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे देगा, और थियोरिटिकल भी नॉलेज देगा। जो कि बच्चा आईटीआई में बढ़िया से नहीं पढ़े, उनको ये सीटीआई बहुत बढ़िया से सिखा देगा। अब देखिए, थर्ड में हम आप लोग को बीटेक लिखे हुए थे। तो पहले तो आप लोग समझे प्लस टू कर सकते हैं, दूसरा में समझे सीटीआई कर सकते हैं, उसके बाद बीटेक समझिएगा। बीटेक देखिए दो तरीका से आप
आप लोग कर सकते हैं, एक इंटर से भर सकते हैं जेईई मेंस का एग्जाम देके, या फिर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो बीटेक कर सकते हैं। आईटीआई से बीटेक नहीं होता है। देखिए हम भी सोचे थे कि इंटर जो किए हुए हैं हम आईटीआई से उसे हम बीटेक कर लेंगे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब हम पता किए, जब मेरे मतलब कि कुछ मित्र लोग थे वो मेरे से एक साल सीनियर थे तो वो लोग भरे थे, उन लोग का क्या हुआ, उन लोग का नहीं हो पाया बीटेक में एडमिशन। उन लोग एग्जाम दिए, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, कॉलेज में मिल गया, जब वेरिफिकेशन में गए कॉलेज वाले मतलब एडमिशन करवाने कॉलेज में, तो वहां पर से उनको क्या कहा, कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का हमको पहले दिखाइए कि कहां पर है मार्क्स उसका, तो वो नहीं दिखा पाए थे जिसके कारण वहां पर उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये गलती आप लोग नहीं करिएगा, इस गलती से आप लोग बचिएगा, ठीक है। तो बीटेक आप लोग नहीं कर सकते, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब हम आपको अंतिम में बताएंगे, गवर्नमेंट जॉब को पूरा क्लियरली आपको बताएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आप टेंशन नहीं लीजिए, इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा और गवर्नमेंट जॉब हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। उसके बाद आइए ग्रेजुएशन। तो देखिए हम ग्रेजुएशन वाले चीज के लिए हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि इंटर से आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर मायने नहीं रखता है कि नंबर आपका कितना आया, वहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं। और देखिए ग्रेजुएशन में भी बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है कि बीए बीएससी या बीसीए, इस टाइप से रहता है कंफ्यूजन कि क्या करना है या फिर क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका मिलेगा आपको इंटर का सर्टिफिकेट आईटीआई से, वो आपको क्या मिलेगा वहां पर, जो इंटर जैसे कि आप लोग कर लीजिएगा तो आईटीआई से, ठीक ना, ये याद रखिएगा। बाहर से किए हैं तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इंटर अगर आप लोग आईटीआई से किए हैं तो वहां पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सीधा आप लोग को सीधा बीए या बीसी बीएससी साइंस, मतलब साइंस से एक तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो इंटर कराएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप के बारे में आप लोग समझिएगा, वही सीटीआई का छोटा रूप है अप्रेंटिसशिप, जो एक साल का आपको ट्रेनिंग का आपको रहता है। ये भी एक साल में आप लोग को थोड़ा मोड़ा बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत जगह जोन में, बहुत जोन वाइज रहता है, बहुत जगह आपको, जैसे रेलवे अप्रेंटिसशिप हो गया, आईओसीएल हो गया, बीएसएचपीसीएल में भी आता है, या बीएसएचपीसीएल में नहीं हम सुने हैं कभी, लेकिन आईओसीएल इस समय आता है, डीआरडीओ में आता रहता है, इसमें इस सबका आते रहता है आपको अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो उसमें करने में फायदा भी रहता है, तो वो अप्रेंटिसशिप हो गया, उसमें आपको कुछ नहीं रहता है, नॉर्मली आपको सिखाएंगे 7-8 या एक साल का रहता है, 7-8 हज़ार रुपये आपको पर मंथ आपको लगभग में देते हैं, और वहीं पर आपका खाना पीना ये सब सारा कुछ वहीं पर हो जाता है, ठीक है। ये चीज हो गया। लास्टली बचा हमारा गवर्नमेंट जॉब। देखिए गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल चीज है, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब में एक चीज और आप लोग ऐड कर लीजिएगा, प्राइवेट जॉब। आईटी से आप लोग प्राइवेट जॉब भी बहुत जल्दी ही कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको वहां पर मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको तैयारी करना पड़ेगा कॉम्पिटिशन का, उसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निक का तैयारी करना पड़ेगा बढ़िया से एकदम। कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में उतरिए आप लोग, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रहे हैं, जैसे कि हो गया आपको टेक्निकल में आप लोग पूरा टेक्निकल आईटीआई से जो भी ट्रेड से आप लोग किए उसका टेक्निकल को कवर करिए, टेक्निकल पोर्शन को। उसके बाद नॉन टेक में आप लोग कर लीजिए मैथ रीजनिंग और जीएस, ये सब कर लीजिएगा तो आपका सारा जो वैकेंसीज होते हैं उसमें लगभग पकड़ा जाएंगे आप लोग को, ठीक है। और भी मतलब कि ज्यादा गवर्नमेंट जॉब तो ये सब हो गया और प्राइवेट जॉब आप लोग को हो ही जाएगा। और देखिए यही सब सारा चीज था आप लोग को ये वीडियो, क्योंकि इसीलिए हम बना भी दिए क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और हमको ज्यादा समय नहीं लगा, थोड़ा सा हम एनालिसिस किए इस पर, और पहले से हमको भी कुछ पता था और थोड़ा सा एनालिसिस किया और उस पर एनालिसिस करके आप लोग को वीडियो दे दिए। और वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा अगर बढ़िया लगा होगा, हम तो थोड़ा मेहनत किए हैं आप लोग देख ही रहे हैं, तो अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए ताकि उन लोग को पता चल सके कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के जो ग्रुप है उसमें जाके आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, डाउट को आप लोगों को क्लियर कर लिया जाएगा। और भी बहुत सारा बात रहता है जो बोलना हम भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अकेले बनाने में वीडियो थोड़ा सा याद नहीं रहता है, जितना रहता है हम अपना 100% देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और वीडियो का तब तक लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो और क्या कहें, सपोर्ट करिएगा थोड़ा। चलिए ठीक है, तब तक लिए आप लोग से हम अलविदा लेते, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।